कैसे हो आप सब? थोड़ा सा वीडियो को ज़रूर शेयर करना है दोस्तों, अरुदीप के फैंस को बोल रहा हूँ मैं ये चीज़। ठीक है, मैं थोड़ा सा बिज़ी था, बाकी भी वीडियोज बनाने थे उस चैनल पे, लेकिन ये चैनल पे मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली कब से करना था, एक दो वीक से मैं सच में बिज़ी था उस मामले में। बाकी जो बड़ी फिल्में आ रही थी उसके अपडेट्स वगैरह देने थे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वजह, जो सॉन्ग आपको याद है वजह करके सॉन्ग आया था, तो उसको लेके दोस्तों एक रिकॉर्ड बनाया, उसको 8 मिलियन व्यूज़ इसके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अगर एक बार वापस चेक कर लेता हूँ, अब शायद ज़्यादा भी हुए होंगे, क्योंकि हुआ ये है कि मैंने बहुत लेट ये ना, जस्ट मिनट गाइस, मैं पूरा अपडेट ही दे देता हूँ ना। जी हाँ, 8.2 मिलियन व्यूज़, ब्रिलियंट। मैं इतना भी कहूँगा दोस्तों कि ये जब सॉन्ग आया था वो चैनल पे मैंने इसका रिव्यू दिया था भाई, आई वॉज लिटरली शॉक्ड विद द परफॉर्मेंस। आई मीन टू से एक्चुअली ये वो सॉन्ग है जिसमें पवनदीप और अरुणिता अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करने लगे। जो म्यूज़िक पाए चैनल था एक तरीके से, उन्होंने इनको अपनाया था और समहाउ वो इतने सेटल हो गए। और जो उनके साथ वो हिमेश वगैरह गैंग ने किया था कि मतलब पहले बहुत सपोर्ट करो, बाद में टाटा बाय बाय कर दो इनका, तो वो उस चीज़ से वो बाहर निकले थे। समहाउ इट्स लाइक एक न्यू लाइफ मिली थी उनको। और वो जो सॉन्ग था ना, एक तरीके से उन दोनों का अगर कॉन्फिडेंस लेवल देखोगे तो उस सॉन्ग से थोड़ा सा वो निखर के आए थे कि भाई नहीं, अब दिल खुल के गाना बोलते हैं ना वो। उस टाइम पे आई थिंक, मुझे याद है एक साल पहले की ही बात है, उस चैनल पे डेफिनेटली प्लीज़ सर्च करना वो रिव्यू, मैंने आई थिंक दिया था और बहुत ही तबाही वाला रिव्यू दिया था, मुझे याद है। आई थिंक उसमें, उस रिव्यू में ही मैंने हिमेश को एक्सपोज किया था, आई डोंट नो, रिमेंबर मुझे याद नहीं अभी, पर यार इतना ज़रूर पता है कि इस सॉन्ग को लेकर मैंने अच्छा खासा प्रमोट किया था इस सॉन्ग को। तो भाई वो चैनल पर ज़रूर देखना, ऑल इन वन बाय दिग्विजय बोनोटे सर्च करके वजह रिव्यू ऐसा देखना। ये तो न्यू चैनल है, यहाँ पे तो हम उनके साथ क्या हुआ है उस चीज़ को भी एक्सपोज किया है कि कौन लोग इनके अगेंस्ट है। बट अच्छा लगा यार कि एक रिकॉर्ड बनाया जाए। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो म्यूज़िक पाए वालों का जो, आप देखो उनके सब्सक्राइबर्स कम है एज़ कम्पेयर टू हिमेश रेशमिया और बाकी चैनल के अनुसार, फिर भी ये मूवी सॉन्ग इतना तगड़ा व्यूज जाना। अरे भाई, बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी इतने व्यूज़ नहीं लेते हैं रे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़े बड़े एक्टर्स के, लेकिन बहुत से ऐसे सॉन्ग्स हैं जो बहुत नीचे ही रह जाते हैं। तो आप ये भी तो देखो ना यार, दे आर उनके पास ऐसा बहुत तगड़ा वाला पीआर टीम नहीं है पवनदीप अरुणिता के पास कि मतलब वो कंटिन्यू ऐसे कुछ है फैन क्लब्स, लेकिन जो बॉलीवुड का पावर है, वो जो स्टार्स जो रहते हैं, बड़े बड़े स्टार्स, उनके जो फैन क्लब्स रहते हैं, अब वो बड़े स्टार्स होते हैं तो उनके पास बहुत तगड़ा वाला एक ये रहता है। ये ऐसे दिल वाले फ़ैन क्लब्स है, ऐसा नहीं कि भाई इनको पैसा दो। कभी कभी बॉलीवुड में ऐसा होता है कि पैसे पे चलते ये फ़ैन क्लब्स, ये ऐसा नहीं है ना इनका, ये दिल के सपोर्टर्स है, दिल से किया हुआ फ़ैन क्लब है इनका, जो है वो रियल है। तो अच्छा लगता है देख के, मालूम है। तो शेयर कीजिए ये वीडियो को भी, आर यू मतलब हैप्पी विद दिस सॉन्ग और नॉट। और बहुत ही बेहतरीन गाया था दोनों ने, मैं कहूँगा एक तरीके से वो बोलते ना, एक क्रांति आ गई थी। तो इट्स लाइक कि उनके ना मन का पूरा हल्के हो गए थे यार वो मन से, इट्स लाइक कि कोई प्रेशर नहीं था। पहले बहुत प्रेशर में दिखते थे वो, बिकॉज ऑफ ये इनके लिए गा उनके लिए गा, स्पेशली वो हिमेश ने बहुत डेंजर उनको, मैं तो कहूँगा कि भाई थोड़ा सा सदमे में ही डाल दिया था, डिप्रेशन में डाल दिया था, वो वर्ड सही है। और वो एकदम बेहतरीन, मतलब इट्स लाइक कि यहाँ से मैं कहूँगा कि उनका एक अलग एंगल शुरू हुआ, अलग पवनदीप अरुणिता देखने को मिले। शेयर कीजिए वीडियो को, आपका क्या कहना है इस सॉन्ग के बारे में ज़रूर बताइए। एक बार देख भी लेना सॉन्ग, और व्यूज़ आ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। टेक केयर, और दो वो वाला वीडियो ज़रूर देखना, अगर आपने देखा तो कमेंट भी करना वहाँ पे भी।